नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है? और ये सवाल क्यों है? ये सवाल इसलिए है और आज इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी के बीच आज मुलाकात हुई है। ऐसे में जब लॉकडाउन के दौरान वर्चुअल मोड में तमाम तरह की बातें हो रही हैं, वर्चुअल मोड में तमाम सियासी कार्यक्रम हो रहे हैं और राजनीतिक गतिविधियों पर एक तरह से ब्रेक ही लग गई है। जरूरी गतिविधियां जो है राजनीति की वो वर्चुअल मोड में हो रही है। ऐसे में फिजिकल मुलाकात की तस्वीर सामने आ गई है आपकी स्क्रीन पर, वो तस्वीर जिसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हुई है। तो क्या कोई खिचड़ी पक रही है और मुकेश सहनी को साथ लाकर मांझी कोई धमाका करने वाले हैं? जीतन राम मांझी के तेवर हाल के दिनों में किस तरह के हैं आप जानते हैं। पहले पीएम मोदी को सुनाया, आज सीएम नीतीश कुमार को भी सुना दिया है। एक ट्वीट किया है आज उन्होंने और ये कहा है कि नीतीश कुमार ने अद्वितीय काम तो किया है कोरोना संकट काल में, लेकिन लॉकडाउन में, लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। जो स्थितियां हैं गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों की, उसकी स्थिति को सुधारना होगा। तो तारीफ भी कर दी और आईना भी दिखा दिया। तो जीतन राम मांझी के तेवर से लगता है कि कुछ धमाके की तैयारी में हैं और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी की मुलाकात से बिहार की सियासत और गर्म हो गई है, कयासों का बाजार और गर्म हो गया है। ऐसे में जब 2 जून को जीतन राम मांझी अपनी पार्टी की एक अहम बैठक करने वाले हैं, वर्चुअल मोड में ये बैठक होनी है और उससे पहले मुकेश सहनी से वो फिजिकल मुलाकात करते हैं, तो बिहार की राजनीति में चर्चा का बाजार गर्म है। क्या झटका देने की तैयारी में है जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए को, ये सवाल बड़ा है। क्या राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जमानत पर बाहर आने के बाद वाकई बिहार में कोई खेल चल रहा है या फिर खेल हो गया है? यह तस्वीर पूरी तरह से साफ हो पाएगी आने वाले कुछ दिनों में। लेकिन जो बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आते रहे हैं और उसके बाद आज जो तस्वीर सामने आई है, उसने ये अंदेशा जरूर दे दिया है कि बिहार की राजनीति में कुछ तो खेल चल रहा है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।